अश्विनी वैष्णव बताते हैं। हमने कई बार देखा कि खुद प्रधानमंत्री ने भी इस तरह ट्रेन में सफ़र करके जो तमाम वहाँ उसको बनाने वाले लोग हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं, जो उसमें यात्रा करते हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा किए हुए हैं। तो रेलवे बोर्ड सरकार इसी योजना पर कि भाई 75 से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएंगी, जोड़ा जाएगा एक राज्य से दूसरे राज्य को, इस पर तेज़ी से रेलवे बोर्ड काम कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दूसरा कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, इसको भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि यहाँ से ये ट्रेन काशी के विभिन्न स्थानों का दर्शन का अनुभव लोगों को करवाएगी। तो उस लिहाज से भी आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटका वासियों के लिए कि कैसे भारत गौरव दर्शन के अंतर्गत इसे चलाया गया और ये वानगी है उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस लोक संस्कृति को आपस में जोड़ते हुए कैसे सीधे दक्षिण से काशी तक का सफ़र भारत गौरव काशी दर्शन इस ट्रेन की वजह से, और इसे भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए। तो कैसे ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात की वंदे एक्सप्रेस को, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, और वहीं अब कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन किस तरह से भारत के गौरव को बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अनुभव को और चरितार्थ करेगी ये कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, जो सीधा आपको दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को। और ये हरी झंडी दिखाना इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक प्रगति के और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के पथ पर चलती हुई कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन, जहां आप दक्षिण भारत से सीधे चलते हैं काशी की तरफ। दो दिन के दौरे पर हैं, दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री, और हरी झंडी दिखाते हुए कर्नाटका भारत गौरव काशी दर्शन को। देखिए दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक, काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर, एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाज़ा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है। तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए, एक उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई वो मिली, और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू से तमाम जो दक्षिणवासी हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि दूर है, उसकी दूरी को कम करते हुए मन के जो हम कैसे मन के भावों को एक साथ समेटते हुए इस भारत गौरव काशी ट्रेन में जो तमाम लोग वहाँ सवार हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही हम कह सकते हैं रोमांचक, उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का पल उनके लिए होगा भारत गौरव योजना। अब भारत गौरव योजना के तहत जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि भारत के उन तमाम जगहों पर जहाँ से संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है वो तमाम लोगों के जहन तक पहुँचे। और भारत गौरव जो ये हम कह सकते हैं ट्रेन है, कहीं ना कहीं ये इस बात का भी एहसास कराती है जब हम भारत के विभिन्न उन सांस्कृतिक केंद्रों का जिक्र करते हैं जिनसे हमारा जुड़ाव, जिनसे हमारा लगाव, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारत के भले ही अलग अलग राज्य रहे हैं, अलग अलग भाषाएँ हम बोलते हैं, मूल भावना एक ही है, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस मूल भावना की अगर हम बात करें इसको चरितार्थ करती हुई ये ट्रेन। तो काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि IRCTC ने पहले भी चलाया है, काशी विश्वनाथ से जगन्नाथपुरी तक चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, और